गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज नूबिया राहत। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन। आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट टुडे इज आर हिंदी क्लास। सो इन हिंदी क्लास वी विल डू पेज नंबर 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर 5, दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द क्या उनसे होते हैं? बिना मात्रा वाले शब्द। ठीक है, आगे हम अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है बा प्लस सा। जब हम दो वर्णों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक शब्द। जैसे बा सा बस, रा प्लस था, रा था रथ, ना ला नल, ना टा नट। तो ये क्या है हमारे? ये हैं दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द वो शब्द होते हैं जिन पर कोई मात्रा नहीं लगी होती है, जैसा कि अभी हमने रीडिंग की थी। अब हम आगे रीडिंग करेंगे। शब्दों को बोलकर पढ़िए। अब यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है यानी इनकी रीडिंग करनी है। जैसे था ला थल, का ला कल, पा ला पल, बा ला बल, टा ला टल, चा ला चल, हा ला हल, जा ला जल। आगे है दारा दर, का रा कर, फारा फर, पारा पर, हारा हर, भारा भर, नारा नर, डारा डर। नेक्स्ट झाटा झट, राटा रट, पाटा पट, ताटा तट, लाटा लट, घाटा घट, हाटा हट, वाटा वट। नेक्स्ट लास्ट लाइन राबा रब, काबा कब, ताबा तब, आबा अब, लाबा लब, जाबा जब, दाबा दब, साबा सब। ये क्या थे? ये हमारे थे दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द जिसकी हमने अभी रीडिंग की। अब आगे है वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आपको बोलकर पढ़ना है, रीडिंग करनी है। जैसे डर मत, घर चल, सच कह, फल चख, घर पर रह, टब रख, नल पर जल भर, हठ मत कर, खट पट मत कर, दस तक पढ़। तो ये हो गया वाक्यों को बोलकर पढ़िए। तो ये था दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द जिसकी हमने अभी रीडिंग कंप्लीट की। स्टूडेंट्स, अभी हमने दो वर्णों वाले शब्द की रीडिंग की। अब हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभ्यास, अक्षरों को जोड़कर लिखिए। यहाँ अक्षर दिए गए हैं अलग अलग, जैसे धा प्लस ना, ये दो अक्षर हैं, इन्हें आपको इसके सामने मिलाकर यानी कि जोड़कर लिखना है। जैसे आगे है सा प्लस चा, तो ये हम दो अक्षरों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सच। आ प्लस बा क्या बन जाएगा जब हम इसे मिलाएंगे? तो अब। इस तरह से आपको ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, अपनी बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट है चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जिन्हें आपको देखना है और देखकर उनके नेम लिखने हैं। जैसे सबसे पहला चित्र है नल, तो आप इसके नीचे लिखेंगे नल। सेकंड पिक्चर है घर, घर के नीचे लिखेंगे घारा घर। थर्ड पिक्चर है फल, तो नीचे लिखेंगे भाला फल। एंड फोर्थ पिक्चर है बस, तो नीचे लिखेंगे बासा बस। नेक्स्ट पढ़िए और लिखिए। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है और इसके नीचे सेम इसी की राइटिंग करनी है। जैसे सबसे पहला है खत पढ़, तो जैसा ये लिखा है सेम इसी तरह नीचे आप इसकी राइटिंग करेंगे, खत पढ़।
ऐसे ही आगे फल चक, इसके नीचे आप सेम इसी तरह राइटिंग करेंगे। थर्ड है टब भर, सेम इसी तरह नीचे टब भर राइटिंग करेंगे। इसी तरह नीचे तक आपको ये राइटिंग कंप्लीट करनी है। नाउ कम टू पेज नंबर 7। तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, यानी कि अभी हमने दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द रीडिंग की थी और एक्सरसाइज की थी, अब हम करेंगे तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, यानी कि तीन वर्णों वाले ऐसे शब्द जिन पर मात्रा नहीं होती। जैसे तीन वर्ण वाले कैसे हो गए, जैसे आप फर्स्ट पिक्चर है उस पर देख रहे हैं, का प्लस मा प्लस ला, ये अलग अलग वर्ण हैं तीन। तो जब हम इन तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कमल, का मा ला कमल। आगे है मा प्लस टा प्लस रा, जब हम इन तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो बन जाएगा मा टा रा मटर। ऐसे ही आगे का ला शा, जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा कलश। बा टा ना, जब हम इन तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो बन जाएगा बटन। इसी तरह से हम तीन वर्ण वाले शब्द के आगे रीडिंग करेंगे। सबसे पहले है शब्दों को बोलकर पढ़िए। ला हा रा लहर, ना गा रा नगर, खा बा रा खबर, शा हा रा शहर, ना हा रा नहर, मा गा रा मगर। नेक्स्ट लाइन, भा टा का भटक, ना मा का नमक, चा मा का चमक, दा मा का दमक, मा टा का मटक, झाला का झलक। तारा ला तरल, मा हा ला महल, टा हा ला टहल, फा सा ला फसल, सा रा ला सरल, पा हा ला पहल। नेक्स्ट लाइन, धा ता मा धर्म, का सा मा कसम, गा रा मा गरम, पा रा मा परम, ना रामा नरम, का रामा करम। तो ये थे तीन वर्ण वाले शब्द जिनकी हमने अभी रीडिंग की। अब आगे है वाक्यों को बोलकर पढ़िए। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आपको बोलकर पढ़ना है, यानी रीडिंग करनी है। जैसे सड़क पर मत चल, समझ कर पढ़, अमर घर पर चल, मदन भजन कर, इधर उधर मत टहल, कलम उस तरफ रख। तो ये थे तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द जिनकी हमने अभी रीडिंग कंप्लीट की। अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे ऑन पेज नंबर 8। नाउ कम टू पेज नंबर 8, अभ्यास। अब हम तीन वर्णों वाले शब्द की, हमने शब्दों की रीडिंग की थी, अब उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले है अक्षरों को जोड़कर लिखिए। जिस तरह से आपने दो वर्णों वाले शब्दों को जोड़कर लिखा था, सेम इसी तरह यहाँ तीन वर्णों वाले शब्दों को जोड़कर लिखना है। जैसे पहला है फा प्लस सा प्लस ला, अब तीन वर्णों को मिलाएंगे तो बन जाएगा फसल। अब आगे है जा प्लस गा प्लस ता, अब इन तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो बन जाएगा जा गा ता जगत। आगे है मा प्लस दा प्लस ना, जब हम इन तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो बन जाएगा मा दा ना मदन। सेम इसी तरह आपको इन अक्षरों को जोड़कर यहाँ तक अपनी बुक में फिल करना है। आगे है चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। सेम इसी तरह आपको नीचे चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनको देखकर उनका नीचे नेम लिखना है। जैसे मा टारा मटर, का लाशा कलश, सा ला का सड़क, का माला कमल। इस तरह से आप इनके नेम लिखेंगे। अब नीचे है पढ़िए और लिखिए। जैसा कि आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, सेम इसी तरह आपको यहाँ राइटिंग करनी है। सबसे पहले लिखा है रामाना रमन उठ, रमन उठ, आप सेम इसी तरह रमन उठ नीचे
लिखेंगे। आगे है इधर चल, इधर चल सेम इसी तरह नीचे राइटिंग करेंगे। थर्ड है ऐनक पहन, सेम इसी तरह ये भी राइटिंग आप नीचे करेंगे। इस तरह से नीचे तक ये राइटिंग आप कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 9। चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, अभी हमने दो और तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द की रीडिंग और एक्सरसाइज की, अब करेंगे चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बा प्लस रा प्लस गा प्लस दा, तो अब हम इन्हें दो दो वर्ण लेकर मिलाएंगे। बराबर गादा गद, तो क्या बन गया बरगद। इसी तरह आगे पढ़ेंगे सारा सर का साकस, क्या हो गया सरकस। आप दो दो वर्ण मिलाएंगे और रीडिंग करेंगे। दामा दम काला कल दमकल, पाना पन घाटा घट पन घट। इस तरह से आप चार वर्णों वाले शब्द की रीडिंग करेंगे। आगे है शब्दों को बोलकर पढ़िए, इसी तरह से हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। बाचा बच पानापन बचपन, आचा अच कानाकन अचकन, ऊपा उप वानावन उपवन, बराबर तानातन बर्तन, ऊबा उब टानाटन उबटन, आना अन बानाबन अनबन। नीचे है खासा खस खसखस, सारा सर कासाकस सरकस, तारा तर काशाकश तरकश, थारा थर मासामस थर्मस, आमा अम रासारस अमरस, बराबर बासाबस बरबस। नेक्स्ट लाइन हला हल धारा धर हल धर, आजा अज गारागर अजगर, थाला थल चारा चर थल चर, जामा जम कारा कर जम कर, आरा अर हारा हर अर हर, फारा फर फर फर। नेक्स्ट लाइन सारा सर पाटा पट सरपट, नाटा नट खाटा खट नटखट, पाना पन घाटा घट पनघट, चाटा चट पाटापट चटपट, झाटा झट पाटापट झटपट, साला सल वाटावट सलवट। तो ये थे हमारे चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द जिसकी हमने अभी रीडिंग की। अब आगे है वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। जैसे थर्मस रख, उठकर अचकन पहन, टमटम पर शहर चल, अनपढ़ मत रह, नट खट मत बन, भगवत भजन कर, गड़बड़ मत कर, चल कर कसरत कर। तो स्टूडेंट्स ये थे चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द। अब हम इन चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं ऑन पेज नंबर 10। नाउ कम टू पेज नंबर 10 अभ्यास। अब यहाँ भी आपको अक्षरों को जोड़कर लिखना है। जैसे आपको बताया था दो दो वर्ण पढ़कर आपको रीडिंग करनी है, उसे मिलाना है। जैसे सा रा सर गामा गम, क्या हो गया सरगम। तो ये आप इसके आगे लिखेंगे मिलाकर यानी जोड़कर। आगे है ऊ बा उब टाना टन उबटन, इस तरह से आप इसे मिलाकर यानी जोड़कर लिखेंगे। ये नीचे तक आप इसको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में ही। आगे है चित्र देखकर उसका नाम लिखिए, सेम इसी तरह नीचे चित्र दिए गए हैं, आपको देखकर उनका नाम लिखना है। जैसे थारा थर मासमस थर्मस, पाना पन घाटा घट पन घट, कासा कस रातारत कसरत, सारा सर कासा कस सरकस। इस तरह से आपको इन चित्रों को देखकर नेम लिखने हैं। आगे है पढ़िए और लिखिए, सेम इसी तरह आपको लिखकर दिया जो बुक में दिया गया है आपको सेम उसी तरह उसके नीचे राइटिंग करनी है। जैसे अजहर उठ, तो आप नीचे यहाँ लिखेंगे अजहर उठ। अचकन पहन, नीचे इसकी राइटिंग करेंगे सेम अचकन पहन। क
कटहल रख, सेम इसी तरह नीचे राइटिंग करेंगे, इसी तरह नीचे तक आपको इसकी राइटिंग करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज हिंदी क्लास में हमने 2, 3 और 4 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द की रीडिंग की एंड उसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी की। अब सभी स्टूडेंट्स इस तीनों चैप्टर की बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे एंड जो एक्सरसाइजेस आपको फिल करने के लिए दी गई हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बुक में ही फिल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हिंदी क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।